काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ वीडियोस बना के डालूँ यूट्यूब पे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे, ICICI जो प्रोग्राम करवा रही है बैंगलोर में, मणिपाल में, हज़ारों वीडियोस है यूट्यूब पे। मैंने कुछ उसमें सच्चाई भी देखी, बहुत सारी झूठी बातें भी देखी, किसी को कुछ भी रियलिटी पता नहीं है। मेरा नाम सुमित है, मैं 77 मैथ्स भी कम्प्लीट करके आया हूँ बैंगलोर से। 10-15 दिन का हॉलीडे पीरियड था हम लोगों का, सारे पीओस का 77 बैच पे। घर पे बैठा था, मन लग नहीं रहा था, सोचा कुछ वीडियोस बना के डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो लोग बैंकिंग से रिलेटेड जिनका भी क्वेरीज है या जो लोग इंटरेस्टेड है बैंकिंग में, उनकी कुछ क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, साथ ही साथ मेरा भी वीडियो चलने लगेगा यूट्यूब पे। ये सारी चीज़ें सोच के छत पे बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या करूँ, सोचा वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं ICICI मणिपाल पीओ प्रोग्राम में, बहुत सारी चीज़ें हैं। NISM एग्ज़ाम है, इंटरनल एक्सटर्नल, CGPA कैसे लाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप टेस्ट कैसे देंगे, कैसे इंटरव्यू पास करेंगे, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सबको कवर करेंगे, लेकिन अभी इनिशियली हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या, कितने दिनों का होता है और इसमें होता क्या है बेसिकली। तो ये जो प्रोग्राम है ये टोटल 1 ईयर का होता है अराउंड, एंड जिसमें आपका ये स्टेप बाई स्टेप डिवाइड होता है। लाइक 4 मंथ्स का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको बैंगलोर में जाके मणिपाल अकेडमी में करना होता है। एंड देन आफ्टर आपका 2 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है, जो कि अभी हमारा होने वाला है, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सारे पीओज मेल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही मेल आएगा सारे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। तो 2 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड होता है, एंड देन आफ्टर जो 6 मंथ्स बच गए हैं वो आपका OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। वहाँ पे आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जो कि आपको पूरे करने होते हैं, एंड टारगेट्स तो सारी कंपनीज में हैं। अगर आप MNC में भी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो टारगेट्स तो है ही है कंपनी में, बिना बिजनेस का तो कोई कंपनी चली नहीं रहा। बिजनेस तो करना ही होगा सर्वाइव करने के लिए किसी भी कंपनी में। सो छोटे मोटे टारगेट्स होते हैं जो कि पूरे हो जाते हैं, एंड उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कैसे एम्प्लॉई रिज़ाइन कर देते हैं, वहाँ पे रुक नहीं पाते हैं, प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर 6 मंथ्स का OJT होने के बाद फिर आपको जो है फाइनल जो भी आपका इनहैंड सैलरी है वो आपको मिलने लगती है। इसका जो सैलरी पैकेज है बेसिकली 5 to 5.5, ये वेरीज करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है। एंड जो आपका बोनस का 1 लाख रुपये है वो आपका अलग कर देते हैं, और 4 या 4.5 ऐसे आपका पैकेज जाता है ओवरऑल। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, पहले अभी स्टार्टिंग इनिशियली आपको बताता हूँ। 4 मंथ्स आपको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाके ICICI PU प्रोग्राम सर्च करना है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा जो भी वहाँ पे डिटेल्स मांगे जाएंगे आपको फिल करना है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या कॉल भी आएगा ICICI टीम की तरफ से कि आपका जो टेस्ट है, टेस्ट का लिंक आपको दे दिया गया है व्हाट्सएप पे, आप टेस्ट देंगे। टेस्ट में जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली हम लोग उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ मैथ्स के रीजनिंग होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ होते हैं, और इंट्रोडक्टरी वीडियो भी डालना पड़ता है 1-2 मिनट का, शायद 2 वीडियो डालना पड़ता है। एंड देन आफ्टर, अगर एक बार आप टेस्ट में सेलेक्ट हो गए तो आपका इंटरव्यू होता है। टेस्ट का रिजल्ट आपका, आप जैसे टेस्ट सबमिट करेंगे विद इन 1 to 2 मिनट आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पास हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हैं, अगर आप फेल हैं तो आपको बता दिया जाएगा आप पास नहीं हैं, आपने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया। एंड देन आफ्टर 2 से 3 दिन में आपका इंटरव्यू हो जाता है, रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाता है, अराउंड 1 वीक लग जाता है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अभी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि 81 बैच का अभी शायद से न्यूज़ आया है कि फिर से ये लोग 2 मार्च तक, अभी हायरिंग चल रही है 81 बैच की, आप अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं आप 2 मार्च के पहले। तो अभी क्या है कि एक बार आप वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे 4 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, जो कि थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे घर पे क्या लाइफस्टाइल है, सुबह 10 बजे, जैसे कि अभी मैं तुरंत उठा हूँ सुबह अभी जस्ट, तो 10-11 बजे उठना, फिर खाना पीना, फिर सो जाना, मोबाइल देखना, फ़ोन देखना, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वहाँ पे क्या है कि आपको मॉर्निंग में 7 बजे उठना है, फिर नहाना धोना है, बाथरूम वगैरह आपका जो भी बेसिक चीज़ है वो सब कंप्लीट करके फिर आपको क्लास जाना है। अराउंड 9 AM आपको क्लास जाना है ब्रेकफास्ट करके, 9 AM to 6 PM। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्लासेस करना, 4 लेक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। 4 मंथ्स का ये क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, इसमें आपका इंटरिम टेस्ट होगा, इंटरनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, NISM एग्ज़ाम होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड
इसके साथ साथ आपको प्रेजेंटेशंस होंगे, कॉल पॉल पे असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रेशर होने वाला है वहाँ पे जाने के बाद। बट ये सब कुछ आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट अपना देखना है, आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें देखना है। बेसिकली आपको प्रिपेयर किया जाता है कि बैंक में जाने के बाद अगर आपको इतना सब कुछ प्रेशर दिया जाए, आपको 9 to 6 जॉब करना पड़े और उसके साथ साथ इतना प्रेशर दिया जाए, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अभी से इसकी हैबिट ये लोग डलवाते हैं और कुछ भी नहीं है। एंड मैं अपनी बात बताऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा CGPA था 8.38 समथिंग, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। एंड सेकेंड में था 7. अभी जो दो दिन पहले रिजल्ट आया 7.3638 ऐसा कुछ था। तो बेसिकली यहाँ पे पास होने से मतलब है, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सारे पास हो चुके हैं, मैं भी पास हो चुका हूँ। तो पास होने से मतलब है 10 CGPA लाए, किसी को ज़्यादा कुछ नहीं मिल जाता है, या फिर 6 CGPA वाले कुछ ज़्यादा नहीं मिल जाता, एवरेज होना चाहिए 6, 7, 8 रहना चाहिए, बस बहुत है। इसके बाद ये क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2 months का जो इंटर्नशिप होता है उसमें आपको बताया जाता है, जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको थियोरी पेपर का पूरा कवर करवाया जाता है, बट इंटर्नशिप में आपका प्रैक्टिकल होता है। लाइक आपको मशीन्स को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, मशीन्स में कैसे काम करने हैं, कस्टमर का जो भी काम होता है, वर्क होता है, वो आपको ब्रांच में बैठे जो भी मशीन्स लगे होते हैं वहाँ पर उसमें कैसे आपको ऑपरेट करना है। इसके अलावा आपको कस्टमर इंगेजमेंट कैसे करना है, कस्टमर से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। सेल्स एंड इंग्लिश का क्लास आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे IMA में, जो कि सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लास होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं उसी पे ध्यान देता था, बाकी सब्जेक्ट्स तो वो रट्टे मारने वाले थे, तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर इंटर्नशिप की बात की जाए तो इंटर्नशिप में कोई टारगेट बेसिकली होता नहीं है, आप लर्निंग पीरियड में ही होते हैं, डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच कैसा मैनेजर मिल जाए, ठीक है। एंड देन आफ्टर OJT में थोड़ा बहुत टारगेट्स होता है जो कि आपको क्लियर करने हैं। सैलरीज की मैं बात करूँ तो सैलरीज जो है आपका डिपेंड करता है लोकेशन पे, बट इंटर्नशिप में 18,000 से 20,000 के आसपास, 20K के आसपास आपको मिलता है। देन आफ्टर आपका अगर आप OJT का बात करें तो वहाँ पे आपको अराउंड 25 to 30, बिटवीन 25 to 30 आपको मिलता है। एंड आपका 1 year कम्प्लीशन के बाद जो लोन वाले होते हैं, जैसे कि मैं लोन पे, दो टाइप होता है इसमें, एक सेल्फ फंडिंग होता है, आप एक बार में 2,55,500 दे के जा सकते हैं, दूसरा होता है कि लोन होता है। तो जो लोन वाले होते हैं उनको अराउंड 35-36 मिल जाता है 1 साल के बाद, एंड जो सेल्फ फंडिंग होते हैं उनको शायद से 40 के अराउंड मिल जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी का भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप, मैं सारी वीडियोज़ कवर करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक मैं वीडियोज़ बना के डालूंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे थोड़ी सी भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो करेंगे और मैं वीडियोस डालता रहूँगा, 10-15 मिनट टाइम निकाल के ऐसे ही रोज़ मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जो भी रियलिटी है कैंपस की, इंटर्नशिप की। आगे आगे जैसे जैसे इंसान बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपडेट करता रहेगा, और जो भी रियलिटी है कैंपस की वो मैं आपको बता चुका हूँ, टफ तो है, वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करनी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, रोज़ का 2 to 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट्स बहुत सारे होंगे, क्विज़ेस बहुत सारे होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे, उतने सारे लोगों के सामने आपको जाके बोर्ड के फैकल्टी के सामने, बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने जाके बोलना पड़ता है, थोड़ा टफ होता है, एजिटेशन होता है, बट वो सब कुछ आपको वो लोग प्रिपेयर करवा देंगे। फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, बहुत सपोर्टिव होते हैं। NISM के आपके क्लासेस भी चलते हैं, मैं NISM पे पार्टिकुलरली एक वीडियो अपलोड करूँगा जो कि थोड़ा लंबा होगा, बट डिटेल्स में करूँगा, क्योंकि NISM को लेकर मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पे जहाँ पे बहुत सारे झूठ बताए गए हैं, मतलब 90% वहाँ पे झूठ ही बताए गए कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, इतना टफ होता है, ये होता है, बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल चुका था, मेरे लिए जो एकेडमिक से सिलेबस थे वो ज़्यादा टफ थे, लेकिन NISM का सिलेबस मेरे ईजी था, क्योंकि वो लोग क्लासेस देते हैं 1 week का, 6 days to 7 days का क्लास होता है, बहुत अच्छे फैकल्टी होते हैं जो कि बहुत अच्छा से आपको पढ़ाते हैं, आप अगर थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो वो शायद से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, वीडियोस बना के डालता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।